नहीं यार, और फिर हम मतलब कि हाथों का उन्नति हो गया है। मैं सुबह बोल रहा था जैसा कि एक्सपीरियंस, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात को, समझ ली। क्या आपको भी लगता है कि अच्छी तरीके से वाटर कलर करने के लिए एक अच्छा खासा ब्रश होना जरूरी है? मतलब कि वाटर कलर के पीछे उसका ब्रश का ही हाथ होता है, लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रश मैटर करता है यार। नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्रश मैटर करता है। अगर ब्रश आपकी अच्छा हो तो स्ट्रोक उसमें अच्छा लगता है, और अगर ब्रश ऐसा अच्छा नहीं हो तो उसमें स्ट्रोक अच्छा लगता नहीं है। उसका टिप थोड़ा एकदम थीन होना चाहिए वो, अगर मतलब कि ब्रश बहुत अच्छा हुआ तो। और आपका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप अगर कम एक्सपीरियंस हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर अभी अभी आप वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये सब इतना कॉस्टली खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बढ़ चुके हो आगे, मतलब कि वाटर कलर में थोड़ा आपका हाथ बहुत ही पक गया है, मतलब समझ रहे हो ना, पक गया है, मतलब कि हाथों का उन्नति हो गया है वाटर कलर में, मतलब समझ लो यार, समझा करो ये बात को। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो फिर आप ये ऐसा कुछ खरीद सकते हो जैसा कि मैंने खरीदा थी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उतना, मैं भी कम का ही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हो कुछ समय आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ ये किस, कौन सी यूट्यूबर का स्टाइल है? अगर आपने बता दिया तो मैं दिल खोल के आप लोगों को एक चॉकलेट दूंगा, जो जो बताएगा उसके लिए एक चॉकलेट। तो बताओ कमेंट में, बताओ कौन से यूट्यूबर का स्टाइल है। सो वो सब छोड़िए, हंसी मजाक को रखते हैं साइड में। तो आज हम करने वाले हैं, ये मैंने जो मंगवाया है इसको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये जो मंगवाया मैंने इसको इतना प्राइस था, तो इसका हम आज करने वाले हैं रिव्यू, अनबॉक्सिंग भी करेंगे। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे इस बस ब्रश से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, इसे ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसे ऐसे फोड़ने में सुंदर है यार। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और इसे देखते हैं। बस क्या प्रोसेस है यार, खूबसूरत है, मतलब एकदम एक चाइनीज फील आ रहा है, चाइनीज सा फीलिंग आ रहा है इसमें। तो पहले इसे भी खोलते हैं। तो मैं जब इसे देख रहा था, मुझे इसमें एक चीज दिखी कि इसका पीछे यहाँ पे एक स्टिकर लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइस भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक स्टिकर है, परमानेंट नहीं है, ये स्टिकर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बस ऊपर से, इसका दाम थोड़ा कम भी होना चाहिए था। तो यहाँ इस पे कहीं पे भी इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं है, कभी कहीं पे भी नहीं, बस यहाँ पे एक स्टिकर चिटा हुआ है। सो आई थिंक दिस स्टिकर इज फेक, आई थिंक। तो चलिए इसको पैकेट से बाहर निकाल दें। ये निकल गया। सो गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका जीरो नंबर का ब्रश। तो अगर मैं इस ब्रश को मेरे नॉर्मल ब्रश से कंपेयर करता हूँ, तो देखिए ये जो जीरो के ब्रशेस है कितना, और इसका देखिए, मतलब कि अगर साइड में रहे तो बहुत अंतर है,
ये 6 नंबर का ब्रश से बराबर है ये 0। ये तो मैंने जैसा बोला कि ये है 4 और ये है 12। देखो 12 से ये 4 ज़्यादा है, और ये वाला जो कि है 8, ये तो मतलब कि यहाँ पे कहीं होगा ही नहीं, मेरे इस यहाँ पे कहीं इससे मोटा नहीं है, एक भी नहीं है, सबसे मोटा था ये वाला और ये वाला, तो इसके ऊपर ये आ गया, मतलब कि 8 इतना मोटा, सही है, बहुत सही है यार, इसलिए तो ये नंबर 1 है। सामने ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आज तक मैंने इसका इसके साथ ही किया है, ये मेरे सब कुछ थे, इसे मैंने रख दिया साइड पे, और अरे यार तीनों रह गया। हाँ तो जैसा कि मैंने बोला कि वो मेरे सब कुछ थे, अब से शायद ये हो गया, हो जाएगा मेरा सब कुछ। तो ये ब्रशेस तो बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी मतलब कि बहुत ही बढ़िया है, और इसके ये देखो नेचुरल हेयर का है, ये है नेचुरल हेयर, समझ रहे हो आप, इसे पानी में भिगो के देखते हैं चलो। हाँ तो इसे भिगोने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो ब्रश है उसे फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन पे, और कुछ नहीं बताना चाहता, सब्सक्राइब बटन पे उसे फेंक के मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जूता फेंक के मारो अपने जीएफ को, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, कुछ भी फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है, बढ़ा दो यार सब्सक्राइबर, बढ़ नहीं रहे, 300 पे 300 भी नहीं गए, अटक गए, बढ़ा दो कुछ, इसे पानी उठी होता है, चलो इसको पानी में, ये नेचुरल हेयर, पानी में लेने के बाद ये इतना मोटा हो गया, मतलब ये बहुत पानी रख सकता है अपने में, का पूरा जो है बबल निकल रहा है, जो उसके अंदर का हवा है, और इतना मोटा हो गया, तो इसका स्ट्रोक कैसा लगता है वो भी हम देखेंगे। बहुत ही ज्यादा ये पानी एब्जॉर्ब करता है, ये देखो देखा कितना ये फूल गया। अभी हमें ट्यूशन जाना है, हम इसे यहीं पे छोड़ के जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ के जाते हैं, तो ट्यूशन से आके रात में बनाएंगे। तो ये आ गया हम हमारे रूम में, और ये सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है, ये ब्रश देख के कितना खुशी हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है सब कुछ देख के, आई एम बैक, और ये मेरा घर है, मेरा घर, सिर्फ मेरा, यहाँ पर सिर्फ मेरा राज जलता है, ये मेरा हेडफोन का बैग टीडी। तो अभी हम बनाएंगे हमारा अधूरा वीडियो, पूरा करेंगे, इसे मत देखिए, बस करेंगे। ये जल गया गरीब का लाइट, अब बनाएंगे हम वीडियो। सो गाइस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 300 GSM का पेपर, जिसका बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके खरीद सकते हो। इस चारों ब्रशेस से ही हम एक एक स्ट्रोक लगाएंगे, एक एक तरीके का स्ट्रोक, तो और आपको दिखाएंगे। सो पहले ये 8 नंबर से हम पानी में भिगोते हैं, और फिर एक कलर को लेके यहाँ पे हम लगाते हैं इसका स्ट्रोक। इसका पानी एब्जॉर्बिंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत पानी एक साथ ये अंदर रख सकता है, और एक ही बार में ये पूरा जो पेपर है उसके कर सकता है,
थोड़ा क्लोज से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके साथ ही ये छोटा वाला भी इसके साथ हो जाएगा। तो अब ये है 4 नंबर, इससे भी देख लेते हैं हम स्ट्रोक लगा के। तो इसका भी पानी एब्जॉर्बिंग मतलब कि सेम है, और थोड़ा क्लोज से भी देख लो आप। मिक्सिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, और इसका फिनिशिंग देखो बहुत ही बढ़िया है फिनिशिंग। अभी हम छोटा वाला भी देख लेंगे ऐसे लेके। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और सबसे छोटा वाला कोबाल्ट ब्लू को लेके हम ऐसे देंगे। तो देख सकते हो इसके साथ हम इसे छोटे स्ट्रोक्स भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश थोड़ा ज़्यादा मोटा है इसलिए हम बहुत छोटा स्ट्रोक नहीं लगा सकते। क्लोज से भी देख लो आप। तो अगर मैं बताऊं कि ये सबसे बढ़िया ब्रशेस है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि यार यूज करने में बहुत ही मजा है इसमें। मतलब एक स्मूथ फीलिंग आती है, और फिर एक मतलब कि बहुत ही क्या बताऊं यार, इसे मैं बता नहीं सकता, ऐसा एक फीलिंग है। तो आप अगर इसे चाहते हो खरीदना तो जरूर खरीदिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे, आप जाके वहां से खरीद सकते हो। और आप थोड़ा सर्च करके देखो, इसका प्राइस जो है थोड़ा कम में ही मिल जाएगा, थोड़ा कम में ही मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सर्च भी करके देख सकते हो यहाँ वहां। तो जो कि मैं बता रहा था कि ब्रशेस मतलब धांसू है, इसके बारे में और कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ये मत लो, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो, मतलब मैं सुबह बोल रहा था जैसा कि एक्सपीरियंस, समझ रहे हो ना बात को, समझने की कोशिश करो यार, जैसा बता रहा था वैसा। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो तो आप जरूर खरीदिए इसे, आपको बहुत हेल्प होगा इसके बाद, मतलब ये खरीदने के बाद आपको हेल्प होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप यार, अगर आपको ये लगता है कि वाटर यार रख नहीं सकता कहीं पे, अगर आपको ये लगता है कि वाटर कलर जो है सब कुछ इस ब्रश के ऊपर निर्भर है, मतलब निर्भर मतलब समझ रहे हो ना, निर्भर किसे कहते हैं, समझ रहे हो तो अच्छा है, और नहीं तो बहुत ही यार रखने का जगह नहीं है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि ये वाटर कलर जो है मतलब पेंटिंग्स जो है सब कुछ ब्रशेस के ऊपर निर्भर है, तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि ब्रश सिर्फ हमको क्या करता है, ब्रश सिर्फ हमको मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। ब्रश से हम सिर्फ कर सकते हैं, असली काम तो हमारा ये करता है, मतलब कि ये हाथ करता है असली काम। और हाथ कैसे काम करता है, प्रैक्टिस से, मतलब कि हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करें तो हम बहुत उन्नति करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, उन्नति का बस बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो वही, तो अगर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आगे बढ़ना है, और अगर कम प्रैक्टिस करते हो तो आगे तो बढ़ेंगे लेकिन बहुत धीरे से आगे बढ़ेंगे, मतलब प्रैक्टिस करने से जो होगा वो और किसी पे नहीं है। तो प्रैक्टिस करना है बहुत से, मतलब बहुत प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ब्रश व्रश पे कुछ मैटर नहीं करता, ये सिर्फ अपने शौक के लिए होते हैं, सिर्फ शौक के नहीं ले मतलब इम्प्रूव करने के लिए भी होता है, हमारा जो टेक्निक्स है वो इम्प्रूव होता है इससे, और इसको पाने के बाद हमारा दिल खुश हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं राधे राधे, नहीं यार, और फिर हम मतलब कि थोड़ा इनकरेज होते हैं वो करने में, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है करने में, कि चलो भाई एक अच्छा सा अच्छा खासा दाम का एक कुछ खरीद लिया है तो हम करें अच्छे से। तो ऐसा एक फीलिंग आती है अंदर से, अंदर का आत्मा बोलता है ऐसा, अंदर का आत्मा मतलब समझ रहे हो ना, अंदर से बात आती है कि चलो भाई कुछ करते हैं इस ब्रश से। सब कुछ ये ब्रश नहीं करेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो सब छोड़िए, मैंने कि जैसे भी मैंने पहले कहा था तो फिर से एक बार कह देता हूँ, ऑन हो गया क्या, हाँ तो फिर से एक बार कह देता हूँ कि
सब्सक्राइब का बटन पे जूता फेंक के मारो, या फिर कुछ बॉटल वॉटल जो भी है फेंक के मारो, या फिर आपकी जो ब्रशेस है वो भी फेंक के मार सकते हो, पर वो क्लिक हो जाना चाहिए। अगर क्लिक नहीं हुआ तो मतलब क्या, कुछ नहीं। अगर क्लिक नहीं हुआ तो क्या मतलब, क्लिक कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मैंने पहले भी कहा था, तो क्लिक कर दो। और फिर बेल आइकन को भी, जो है वो एक ऐसा होता है बेल आइकन, उसको भी घंटी मतलब घंटी बजा दो। पता है ना, घंटी बजाना हम लोगों का मतलब, इसका घंटी बजा दो, उसका घंटी बजा दो, ऐसा चलता रहता। तो घंटी बजा दो, मेरा नहीं, सब्सक्राइब कर दो, और फिर चैनल का जो है घंटी बजा दो, ताकि अगली जो वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए ख़त्म करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा यूट्यूब चैनल का जो है एकदम बहुत ही धांसू एक लोग है ऐसा करता है। चलिए शुरू करते हैं, तो आपको पता है तो बता दीजिए। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।